हाँ भाभी प्रणाम। हाँ खुश रहिए। नहीं आइए, नहीं इज्जत करेंगे तब ना। आइए माथुआ पे ना चंडाली ने नाचने लगती है। बाय भाभी, लव यू, लव यू। कहाँ बात कर रहे थे? ऐसे भूत नियन खड़ा रहोगी, गण फट जाता है आदमी का। सावन खत्म हो रहा, कितना दिन हो गया? हाँ तो? मुर्गा एक को दिन बना के नहीं खिलाई, और भाभी बुला रही है सावन के बाद। ना सावन तोड़वाती हो और ना देह तोड़वाती हो, कुछ नहीं तोड़वाती हो, तो भाभी पास आ जाएगा आदमी। सुन लो, 36 आएगी 36 जाएगी, चोच में चोच भाभी लड़ाएगी। कहाँ जा रही हूँ जी, रुको। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सोनल सुहान ब्लॉग। देखो मौसम कितना सुहाना है और प्रैंक बहुत मजेदार होने वाला है आज। आज हम बात करने वाले हैं अपने गांव की भाभी से, और वो रियल रियल में बात करेंगे लाउड स्पीकर पे भाभी से। आप लोग सुनना, और वो सुनेगी जब मेरा और भाभी का डिबेट, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसको अदरवाइज मत लेना। इस प्रैंक में जो भी हम बोले हैं वो ऐसे अदरवाइज है, बस फन और एंटरटेनमेंट के लिए, इसको सीरियसली मत लेना। तो वीडियो देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रैंक बहुत अच्छा होने वाला। हाँ भाभी प्रणाम। हाँ खुश रहिए, बर्तन धो रहे हैं जी। बर्तन धो रहे थे आप, एक तो इतना दिन बाद फोन करते हैं। तो बात करनी है, लेकिन आप बर्तन धो रहे हैं ना। मुर्गा उर्गा हमको नहीं खिलाइएगा? मुर्गा उर्गा नहीं खिलाइएगा, हम आने वाले हैं कल। आइए बना के खिलाएंगे, काहे नहीं आइए, खिलाइएगा। हाँ खिलाएंगे जरूर। पीछे देखो, पीछे। आप बोलते हैं आने के लिए, आए भी नहीं करते हैं। आप कहिया बुलाई है हमको? आप नहीं बोलते हैं, उस मेरा पास नंबर नहीं था, भैया के मॉल में था, तो भैया के मॉल तो बुला ही गया था। आज हम बहुत दिन बाद फ्री थे, सोचे भाभी से बात करेंगे, एक दो दिन में आएंगे, जरा खिलाएंगे तब, नहीं नहीं कि चल जाए फिर घूर के आना पड़े। नहीं आइए, नहीं इज्जत करेंगे तब ना। आइए, अरे भाभी बड़ी आवाज घेगी आ रहा है, रुकिए लाउड स्पीकर कम करते हैं। हाँ बोलिए। अरे आपको तो विश्वास है भाभी, आप खिलाइबे करती है मुर्गा, लेकिन यहाँ जानते हैं आज का है नौबत पड़ा हमको फोन करने का, कि मुर्गा उर्गा खिलाइए जरा बना के। घर में वो रहती है, कोई कर्म के नहीं है भाभी, हम क्या बोले, उसके डर से हमको छत्ता पे आके बात करना पड़ रहा है। ये फंस गया सी है। बात कर लेंगे कहीं गोतिया नैया में ना किसी से, कि गोतिया में कोई भाभी से बात कर लिए, कोई बहन से बात कर लिए, फलना से बात कर। माथवा पे ना चंडाली ने नाचने लगती, चंडाली ने नाचने लगती। क्या बोला तूने? सोचती है कि क्या कर रहा है, मेरा शिकायत तो नहीं कर रहा है, इसी उसके डर से हम छत्ता पे बैठ के बात करते हैं। छत्ता पे इतना दिन मेरा भारी हो गया है। आए क्या जी बोल रही है? आएंगे भाभी, एकदम आएंगे, आप बुलाए हैं और ऐसे भी हमको आना ही था, लेकिन आप बोल रही हैं मुर्गा खाएंगे, एक आध दिन रहेंगे। सड़िया, अच्छा पिछले बार दिया था, अच्छा लगा था आपको। ठीक है, साड़ी भी लेके आएंगे। आ जानते हैं भाभी, आजकल ना नाइटी का भी बहुत नाइटी उटी मिल रहा है, तो नाइटी भी लेके आएंगे आपके लिए, पहनिएगा। आजकल शहर में नाइटी का फैशन चला हुआ है, तो नाइटी लेके आएंगे आपके लिए, मस्त लगेगा आप पे, हम बोल रहे हैं ना, पहनिएगा ना, बवाल लगिएगा। हम लेके आएंगे इस बार नाइटी और साड़ी दोनों लेंगे आएंगे आपके लिए आएंगे। अरे इसका क्या बोले, इससे तो बचते बचाते हम रहते हैं दिन भर, अब खत्म। हम इसीलिए आज आपको फोन किए छत्ता पे आके, बहुत दिन से आपसे बात नहीं किए हैं, आप काम कर रही हैं, हम फिर करेंगे आपको रात में कॉल। है आप उस दिन फोन करती, आप इसका आप इसके डर से फोन माने उठाते हैं, अच्छो चीज में ही ना शक कर लेगी, क्या बोले। ठीक है भाभी, बात करते हैं आपसे फिर। हाँ आएंगे भाभी, एकदम आएंगे, आप बुलाइएगा तो हम चार पहाड़ तड़प के आएंगे, लेकिन आएंगे चार पहाड़ तड़प के आएंगे, लेकिन आएंगे। ठीक है भाभी, बाय भाभी, लव यू, लव यू, बाय भाभी, खत्म। रन। क्या तुम क्या कर रही हो जी यहाँ पे? कहाँ इतना बातचीत हो रहा था? कहाँ इतना बातचीत हो रहा था? कहाँ बात कर रहे थे? अभी तुम क्या कर रहे थे? पानी है अंदर में, हिलवा दी, ऐसे भूत नियन खड़ा रहोगी, गण फट जाता है आदमी का, पीछे दैत्य नियन आके खड़ा थी। क्या करेंगे, तुम जैसा घटिया आदमी का ना बातचीत सुनने के लिए ना छुप के ही सुनना पड़ता है, तभी तो समझ में आता है कितना राज छुपाए हुए हो।
राज इसमें क्या चीज छुपाए हुए हैं जी? किससे बात कर रहे थे? ऐसे चंडालिन पीछे आके खड़ा रहोगी गण फट गया मेरा हार्ट अटैक आ जाता था। चंडालिन है ना, हार्ट अटैक आ जाता था तो यहीं पे गिर जाते, उठका दिए इतना गड्ढा में, कैसे निकले बाहर? तो आप किससे कर रहे थे वो बताओ ना तुम पहले, तो आप किससे कर रहे थे वो बताओ ना तुम पहले। अरे विकासवा था, विकासवा से बात कर रहे थे। विकासवा था, फिर हमसे झूठ मत बोलना, फिर ना फिर बोल रहे विकास के पास भी फोन जाएगा, सबके पास फोन घूमने लगेगा। बाहर आए हम, तो तुम आओ ना बाहर, तुम मारोगे, तुम बहुत दिन से अंदर में हो, ठीक है? आप आए हो ना, असलियत में तुम आप आ रहे हो। क्या चीज हम किए गलत अभी? क्या किया गलत? तुम क्या बात कर रहे थे? और छत्ता पे एकदम जब कोई नहीं रहता है तभी तुम आके बात करते हो। हमको क्या बोले कि हम एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं, टहलने के लिए जा रहे हैं, शांति ढूंढने आते हैं। घर में कल्हा, नीचे कल्हा, तुम्हारे साथ कोई शांत कैसे रह सकता है? ऊपर शांति मिलता है, और शांति में सुकून मिल जाता है जब भाभी से बात करते हैं। बोले ना, मजा आया। बाप रे बाप, मतलब पकड़ो, बाप रे, आने दो, रुको, तुमको बाप रे बाप, पैर हाथ साफ करो भाई, काची दो ना, बहुत बड़ा ना ताज ना तुमको पहनाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। क्या बोल रहे थे भाभी को साड़ी, साड़ी के बारे में बच्ची बोल रहे थे साड़ी के बारे में कि साड़ी नहीं भाभी, अभी तो नाइटी सब कोई पहनता है, क्या बोल क्या रहे थे तुम? भाभी को बोल रहे थे कि भाभी को ये बात बोल रहे थे हम कि जो पिछले बार गए थे एक बार 6 महीना 7 महीना पहले, तुमको साड़ी बहुत पसंद आया था, नाइटी बेचने आता है ना, 7 महीना पहले तुम कब गए जो कि हमको नहीं पता है? तुम मम्मी के यहाँ गई हुई थी। हम मम्मी के यहाँ गए थे और तुम गए हुए थे भाभी से मिलने के लिए? मिलने नहीं गए थे, तो गोतिया में भाभी गाँव जाते हैं तो मिल लेते हैं उनसे, अभी बुलाई थी, अभी हम बात कर रहे थे, बोली मुर्गा उर्गा पे खाने आई तो बोली नाइटी लेके आइएगा। हमको कितनी बार लाके दियो नाइटी तुम? तुम तो यार दिन रात मेरा एटीएम में रख ले रहते हो, तुमको देने का क्या जरूरत है? बेचारी गांव में रहती हैं, हम उनको बोले कि अब आजकल जो नाइटी चला हुआ है ना भाभी, चारों तरफ से पास होता है हवा, मतलब हाँ तुमको बहुत ज्यादा पता होगा ना कि हवा कहाँ से पास होगा, कहाँ से पास होगा। सुनो तुम जो आज हमको समझ में आया ना, अब से तुम आके दिखा दो छत पे, और तुम बात किससे कौन भाभी से कर रहे थे जी? अरे गांव में वो भाभी है। क्यों नहीं दे रहा फोन? फोन क्यों नहीं दे रहा? तुम्हें शर्म है कुछ? फोन नहीं, फोन बोल क्यों नहीं? तुमको बता दिया ना कि भाभी थी, अब क्या दिक्कत हो रहा है तुमको? हमको जानना कि कौन भाभी थी। है वो दूसरा गांव जाते हैं वही की भाभी है। तुम भाभी को बताओगे कि मेरा फोन इधर उधर घूमे? बता दो काहे फोन कर, जब बोल दिए ना कि हाँ दोस्त से नहीं भाभी से बात कर रहे थे, बहुत टेंशन में थे आज इसलिए बात कर ली। टेंशन कौन सा टेंशन है तुमको? तुमको 10 को बच्चा है, 4 को बच्चा है, तुमको बड़ा तुमको टेंशन हो रहा है? सावन खत्म हो रहा, कितना दिन हो गया? हाँ तो मुर्गा एको दिन बना के नहीं खिलाई, और भाभी बुला रही है सावन के बाद से फोन पे फोन कर रही थी कि आइए खाइए सावन के बाद तोड़वाते हैं आपका सावन। आए ना सावन तोड़वाती हो और ना देह तोड़वाती हो, कुछ नहीं तोड़वाती हो, भाभी पास ना जाएगा आदमी। भाभी से क्या, यही तो इतना घटिया घटिया बात कर रहे थे हम, सब सुन रहे थे छिपके, सब सुन लिए कि तुम क्या क्या बोल रहे, कभी साड़ी के बारे में, कभी नाइटी के बारे में। सुनो सुनो मेरी बात, सुनो पहले पूरा बात बताओ, भाभी को लव यू कौन बोलता है? कौन बोलता है? किस लव यू तो आजकल क्या कर रहे थे तुम? लव यू माँ बाप सबको बोलता है, भाई बहन सबको बोलता है, किस भी सबको देता है, लेकिन भाभी को नहीं बोलता है। भाभी को तो नहीं बोलता है, बताओ जल्दी। भाभी वाला गाना निकला नहीं, ढोड़िया देवरा चाटेला ये सब गाना निकल रहा है, आज किससे नहीं देगा आदमी? यहाँ तो ढोड़िया ना भी चाट रहा है सब देवर मिलके, ये बोल रही है किस नहीं दे रहा, ये तो हम बना रहे हैं, तो भोजपुरी का गाना है। इंसान हम इसके बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तेरे छत पे जा रहे कपड़े उठाएंगे तो पानी का एक बोतल भी ले ले। क्या कपड़ा उठाओगे, सब कपड़ा फेंक के तो गंदा कर दी तुम तो बिना बात का आपा खो देती हो, क्या बात हुआ? अरे मुर्गा पे इनवाइट कर रही थी खाने के लिए, भाभी चिर क्या बरा तुमको कर रही थी? हाँ था? वो मुर्गा पे इनवाइट कर रही थी, और तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? तुम बहुत कुछ बोल रहे हो, बताओ ना, हम तुम्हारे मुंह से सुन, बताते हैं बताते, सुन लो, ठंडा दिन पहले ठंडा समझ। मतलब जिंदगी में तुम ही एक औरत रह सकती हो, दूसरी औरत मेरी जिंदगी में नहीं आसपास हो सकती है। जब तुमको इतना ही चस्का लगा हुआ है दूसरी औरत का, तो तुम चले क्यों नहीं जाते हो? चस्का तो लग रहा, चस्का लेके लग रहा है मस्का चाट रहे हैं, कुछ चाटना उठ रहे हैं, पिटा रहे हैं झूठे मुठे के, खाया पिया था ना नहीं, और पिटा रहे हैं बारह ना, झूठ मुठ का तेज बन रही है। काबिल तुम तो ना कम बन, ठीक है, और सुधर जाओ, बोल रहे तुमको 50 बार तुमको बोल चुके कि सुधर जाओ सुधर जाओ। ठीक है, क्या बोल रही हो तुम भाभी, अभी क्या बोल रही हो, क्या हो गया तुमको? क्या बोल रहे हो तुम, यही सब बात करोगे भाभी से? क्या बात किया? क्या नहीं तुम बात किए हो? तुम कुछ तिल के बारे में बोल रहे थे, पीठ के तिल के बारे में,
पीठ के तिल के बारे में हम कहां कुछ बोल रहे थे जी? पागल हो गई हो क्या? पागल हो गया अपने कान से सुने हैं? क्या सुनी हो? सुने कि तुम बोल रहे थे कि पीठ का तिल हाँ हटवा लीजिए हटवा लीजिए। अरे भाभी के पीठ पे वो तिल है तो वही बोल रही थी आप, जो पीठ का तिलवा देखे ना देवर जी उसको हटवाना है तो वही हम बोले हटवा लीजिएगा। तुम कब देखे उनके पीठ का तिल? पीठ का तिल कब? अरे एक बार गाँव गए थे तो नहा रही थी तो बोली पिटिया में जरा साबुन रगड़ दीजिए। भाभी को भी है तो साबुन नहीं लगाएंगे भाभी को? भाभी मेरा गण का जंघिया भाभी फीस देती है। तुम पत्नी हो के मेरा जंघिया नहीं फीसती हो? तुमको बोलते हैं फीसने तो यू करती हो। आए तुम क्या मेरा जंघिया फीसती हो मेरा? देवर भाभी में चलता है कभी कभी मजाक मजाक में क्या भाभी क्या भाभी कर भी देते हैं। हट जाओ यहाँ से हमको छूना मत, समझ जाना तुम। तुम काहे सुन लो तुम घटिया हम है बोल रहे हैं, बहुत ही चीप इंसान हो। मुझे अपने घर जाना है। देवर सामने से ना हट जाने तो बोल तो रहे कि कुछ अनहोनी हो जाएगा। हमको बात करने दो, डिस्टर्ब मत करो। उधर बात करके तुम दिखा दो, बात करके तुम एक तो कबाब में हड्डी बन गई बीच में आके। तुमको क्या इतना जलन होने लगता है हम किसी भी गैर लोग से बात करने लगेंगे अपने अपना गोतिया नैया में? वाह रे वाह, जलन हमको नहीं हो तो किसको होगा? देख रहे की बहुत अच्छा रास्ते पे तुम चल रहे हो। हम जा रहे हैं बात करेंगे। सुन लो, 36 आएगी 36 जाएगी, चोच में चोच भाभी लड़ाएगी। अरे चोच में चोच मतलब बात करेगी, बात करेगी चोच में, जो ठेठ भाषा में बोलते हैं, ठेठ भाषा में बोलते हैं चोच में चोच लड़ाना। फोन दो हमको, फोन दो बोल रहे हैं, फोन नहीं मिला। अरे फोन रुको, फोन क्यों नहीं दे रहे तुम? फोन तोड़ लॉक है, पासवर्ड नहीं देंगे, बताओ जाओ पासवर्ड नहीं देंगे। पासवर्ड अगर नहीं दोगे ना तो छत से एकदम फेंक देंगे, समझ जाना क्या होगा फोन का। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। यहाँ पे जाके तुम हमको समझा रहे हो? क्या समझा रहे हो? साड़ी दे रहे हो, नाइटी दे रहे हो और क्या? आए जी तो तुम साल में 5 साड़ी लेती हो, कभी कभी जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। बोल रही थी एक बार आप लाए थे पहला बार एक आध साल पहले, वो साड़िया बहुत अच्छा था, इस बार आप लेके आइएगा। साल पहले नाइटी दियो, साड़ी दियो। बोले नहीं थे गए थे तब एक बार बहुत पहले तो साड़ी दिए थे, तो इस बार बोले भाभी आजकल बहुत फैशन वाला नाइटी चला हुआ पहनती है घर में, घुटना तक का पास होता है। पास मतलब क्या पास होता है? तुम्हारा चक्कर कब से चल रहा है? हवा पास होता है नाइटी में। कब से चल रहा था बता दो हमको। मेरा चक्कर चलेगा? तुम्हारा चक्कर कब से चल रहा था भाभी? अरे पागल, भाभी देवर का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। मजाक रहता है थोड़ा बहुत इसमें, लेकिन अरे मजाक थोड़ा बहुत रहता है लेकिन। लव यू बोल रहे हो तुम, नाइटी गिफ्ट करो, तुम साड़ी गिफ्ट करो, आप क्या गिफ्ट करोगे? घर में आके रख दो बस। घर में आ गई ना तो घर को स्वर्ग बना देंगी, तुम्हारे लिए नहीं कचरा कबाड़ी बना के रखती है, खाना अच्छा बनाएंगी, कपड़ा साफ रहेगा, हर चीज रहेगा अगर घर में आ गई भाभी, तब इतना स्वर्ग बना के रखेंगी। मट्टिया घर है गांव में लेकिन सोना जैसा चमकता है, यहाँ यहाँ पक्का का घर है लेकिन पकौड़ा बना के रखी हो घर को। तो गया बेटे साफ करो, हो एंजॉयमेंट के लिए केक भी रखे हुए हो ना? एंजॉयमेंट के लिए केक भी रखे हो ताकि एकदम आराम से खा पी के एकदम नाश्ते के साथ और चाय के साथ बात कर सके। भाभी से अगर हम बात करते तो समय का पता नहीं चलता है, तो इसीलिए भूख लग जाना जाए इसलिए केक उक रखते हैं, तो इसमें कौन बड़ा बात है? दोस्त यार से आज छुट्टी का दिन है, संडे है, आज बात कर ली तो क्या दिक्कत हुआ? घटिया इंसान, क्या नहीं क्या हमको फिचल कपड़ा को फेंक रही मुंह कान पे सूखल कपड़ा को? बताओ कि शुक्र मनाओ कि हम आ गए कपड़ा उठाने के लिए, देखे मार मुस्कुराए जा रहे हो। तरो के बात करेंगे, तरो के बात करेंगे, तुम ही हो क्या? तुम ही मुस्कुरा के अपन मैया बहनी से बात करोगी? यही बात करोगे तुम? अपन जीजा लोग से बात करती हो जो एकदम ही बात करते हैं तुम बोल रहे हो? अरे हल्के बात करती हो, हल्के बात करती हो लेकिन करती हो ना। घटिया इंसान को मत समझो, ई बलग बात घटिया वाला हो गया बा। भाभी से बात करना ना, स्वर्ग का सुख मिलता है तुमको। बोलते हैं मत लड़ो, पानी पियो आराम से, पानी पियो बोलते हैं। अरे मिल के रहो जी, पूरे आम खुले आम छत्ता तुम बोलते हो भाभी को लव यू बोलता है और तुम किस करते हो? हमको तो नहीं बोले हो शादी के बाद कभी भी, छत्ता पे इज्जत होता है। पहले बोलते थे अभी नहीं बोलते हो? गजब बेइज्जती है। वाह दीदी वाह दीदी, छत्ता पे तुम इज्जत उतारने के लिए आई हो मेरा? हाँ तुम्हारे को उतारेंगे सामने, चुहाड़ बना दी बाल नोच नाच के, हड़ो हड़ो करके गधा पे भी घुमा देंगे पूरा कॉलोनी। बहुत देख रहे हैं तुमको, ज्यादा हाथ पैर इधर उधर बहुत ज्यादा चल रहा है तुम्हारा। हाथ पैर गांव में गए थे ना पिछले साल, भूत का खिस्सा सुना दिया था सब, भूत वाला डरावना। इधर आओ पहले,
ठंडा दिमाग से सुनना, मारने मत लगना। रिश्ता क्या पवित्रता होता है ना रिश्ता में, तुमको आज हम बताते हैं। भाभी देवर का रिश्ता हमेशा रोमांस का नहीं होता है, कभी कभी ना बहुत बात सल्ले वाला होता है। वो दिखा हमको, सुनोगी? गांव में भूत का खिस्सा सुना दिया, मेरा गाड़ गया फट डर से। हमको गांव में पेड़ पौधा खेत खलिहान देखकर डर लगता है। अब भाभी उस दिन अकेली थी, हम भी अकेले। भाभी ना बेचारी करेजा में घुसा के हमको सुताई थी, इतना हमको मानती है तो क्या हुआ दोस्त? पहले की बात है, अभी से पहले की बात है। बताओ ना और क्या क्या किए हो? बस बात करते हैं फोन पे कभी कभी, तुमसे छुप के। लव यू बोलते हो, किस करते हो, नाइटी गिफ्ट करते हो, साड़ी गिफ्ट करते हो, और बताओ क्या गिफ्ट करते हो? गिफ्ट कौन किसको नहीं करता आज के डेट में, सब सबको गिफ्ट करता है। गुस्साने से क्या होता है? गोल्ड सिल्वर कुछ गिफ्ट नहीं किए? हम सोच रहे तुम जैसा कान वाला ली हो नहीं बोला, इस बार हमसे सेम टू सेम भाभी को देंगे। जान रहे हो, पूछ रहे थे बहुत अच्छे से, पूछ रहे थे बहुत अच्छे से, कहाँ से ली हो, क्या की हो, कितना में पड़ा। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हाँ तो पूछ रहे थे तो क्यों दे देंगे, बेचारी गरीब आदमी है, गरीब आदमी को देना चाहिए, कोई नहीं है काम उम करने वाला, हम कमाते हैं तो देवर का फर्ज बनता है। जब शादी नहीं हुआ था मेरा तो खिलाती पिलाती थी मुर्गा मीट हमको, खासी पटरू खिलवा, खासी पटरू कटवा के खिलवाती थी सगुन का हमको, इतना मानती। अरे खासी पटरू मतलब गाँव में बोला था, कटवा के खिलवाती थी सगुन का, इतना मानती थी। तुम क्या कर रही हो? एगो सावन टूटेला हो गया है, डेढ़ महीना दो महीना बीत गया, एगो साला कुछ खिलाई नहीं हो। चलो फोन दो। सुनो ना, ज्यादा काबिल मत बनो, जब एक बार समझ में आ गया ना, समझ जाना क्या करेंगे तुम्हारा। कुछ करोगी, मार रही हो छत्ता पे सबके सामने, सब देख रहा है, उधर से मजदूरा देख रहा है, इधर से बच्चा देख रहा है। पता तो चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ खराब काम किए हो तभी तो पिट रहे हो। अब प्यार मोहब्बत सिर्फ पत्नी से नहीं, भाभी से भी होता है। पत्नी के आने से पहले भाभी सब कुछ सिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी से दो फोन बात करने दो हमको, भाभी से पूरा बात। आज के बाद अगर कभी ये वाला फोन अगर तुम छू लिया ना तो तुम समझ जाना हम क्या करेंगे। हे सुनो ना, बोलना ये चुरा जाएगा ये वाला फोन, तब मतलब हम भाभी से नहीं बात करेंगे? नहीं बात करोगे, नहीं बात करोगे तो मतलब नहीं बात करोगे। इतना धमकी सुन लो, सूरज है ना एक बार उगना भूल जाएगा, लेकिन हमर नियन देवर बात करना नहीं छोड़ सकता है, ठीक ना? लगता है तुम ठानी लियोगे कि बेइज्जती करना पड़ेगा। बेइज्जत का बात नहीं है, गांड से लेके मुंह तक धोना सिखाई है भाभी हमको बचपन से। अब मुंह गांड धोना जो सिखाएगा उसको छोड़ देंगे। मतलब सेक्सी गिफ्ट किया जा रहा है। बाप रे बाप, ऐसा तुम जैसे ना औरत जिसको मिलेगी ना फट के उसका चहुत्तर हो जाएगा। बाप रे बाप, तो गांड फाड़ दे रहती है, किसी से बात करने नहीं देती है दुनिया में, क्या हम करने लगता है मर जाए। किससे नहीं बात करने, तो विकास से बात करते हो तुम, करते हो कि नहीं करते हो? लंडुआ से बात करके हमको क्या सुख मिलने जा रहा है? भाभी से बात करते सुख मिलता है, चरम सुख। सारा सुख तुमको भाभी से ही चाहिए। देखो खुशी अलग होता है, सुख अलग होता है, और चरम सुख अलग होता है। तो भाभी जो से बात होता है ना, जो जो आदमी का भाभी से, वो चरम सुख होता है। अरे तुम लोग तो सुख का कैटेगरी में नहीं हो, दोस्ती यारी से सुखी खुशी होता है, चरम सुख भाभी से। अब पत्नी से तो साला पुट्टल कौड़ी कुछ नहीं होता है। पत्नी तो बहुत गड़ती है ना, गड़ती है, नाखून नोच नोच के लाल कर दियो मेरा पूरा देह। बोल तुम्हारा शुक्र मनाओ ना कि छत है, देखो लाल छत है, छत पे तो मेरा साला बिन पैंट खोल ले जे तू उतार दियो तू मेरा। क्या सोच रहा है? चिल्ला चिल्ला के बात सुन लो, आदमी का पैंट खुलता है तब इज्जत जाता है, तुम तो बिन पैंट खोल ले इज्जत उतार दियो मार मार के चारों तरफ। अभी और बहुत अच्छे से उतारेंगे तुम्हारा इज्जत, तभी तुम सुधरोगे, ऐसे तुम नहीं सुधरने वाले। सुन लो सोनल, मेरे और भाभी के बीच में आने का कोशिश करोगी रिश्ता में दरार आ जाएगी। ज्यादा काबिल आपको ऐसा रिश्ता हमको चाहिए भी नहीं, ठीक है? अगर तुमको ज्यादा एकदम रिश्तेदारी अगर निभाना है ना तो जाओ अपने भाभी के पास, जाओ अपने भाभी के पास। बोल रहे ना कि सुधर जाओ। क्या सुधर? अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हम नहीं बात करें किसी से। नहीं नहीं बात करोगे ना, क्यों बात करोगे भाभी? ठीक है तो भाभी का नंबर डिलीट कर देते हैं। क्यों डिलीट? तुम क्यों करोगे डिलीट? हम करेंगे डिलीट। फोन दो। मैं तो डर गई। फोन दो बोल रहे हैं। नहीं देंगे। बेटे। नहीं देंगे। बेटे। नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं देंगे फोन तो नहीं देंगे। फोन नहीं देंगे, जाओ जो करना करो, फोन नहीं देंगे, फोन नहीं देंगे। तो जा रहे हैं अपने मम्मी के यहाँ, जो भी चीज होगा ना। अब मतलब ज्यादा तुम सीरियस कर रहे हो टॉपिक। कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं मम्मी के पास, अपना करते रहो, तुमको जो कर जो काम करना है। जा रहे हैं मम्मी के यहाँ, नहीं सुनाई दे रहा तुमको? मम्मी क्या, कहाँ जा रही हो? जा रहे हैं, नहीं दे रहे ना उनको फोन? फोन तो नहीं मिलेगा, सब कुछ पास रखो। कहाँ आना मत मेरी मम्मी के यहाँ, बस तुम जान आए। बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे ना, तुम देख लेना। कहाँ जा रही हो जी? रुको अरे कहाँ मम्मी क्या, कहाँ जा रही हो? कहाँ है
अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? गाइस सोनल जा चुकी है नीचे, प्रैंक बहुत गदर हो गया, वो मम्मी के यहाँ जाने का धमकी दे रही है, अब हमको जाके देखना पड़ेगा कि वो जा रही है कि नहीं, बोलना पड़ेगा प्रैंक था। ठीक है, हम सब कुछ बहुत अच्छे से किए, बहुत अच्छा किया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया, और अभी चलते हैं नीचे, नीचे जाके उससे बात करते, नहीं तो खटिया खड़ा हो जाएगा।